मोबाइल फोन पे रखिए। हरे कृष्णा। ठीक है, चालू करें। जय राधव माधव कुंज बिहारी, जय जय गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी, जय जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे,
जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय जय प्रभुपाद 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 जय। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरु गुरुदेव गुरुदेव। जय राधा माधव भगवान की, राधा गोकुलानंद जी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, दामोदर मास की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमोयम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणवामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हम लोग भागवत के प्रथम स्कंध अध्याय 6 और श्लोक संख्या इसमें 34 दिया है। ऐसे मैं जो लिखा हूँ 35 प्रभु जी को बोल दिया था। तो हरे कृष्णा। क्या नहीं ठीक है, वही है जो मैं बोला हूँ वही अब ला दिए हैं। मेरे वाला में 35 नंबर है लेकिन है 34। तो मैं बोल दिया था 35 तो ठीक है। ये श्लोक नारद जी बोल रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा। एतधातुर चित्ता नाम मात्रा स्पर्शे छया मोहो भव सिंधु प्लवो दृष्टो
हरिचर्यानुवर्णनम्। नारद उवाच एतद्धातुरचितानां मात्रा स्पर्शे क्षया मोहो भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। एतद्धातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शे क्षया मोहो भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। अब आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ बोलिएगा, मोहो पुनः पुनः निरंतर मात्रा स्पर्श क्षया विषय भोग की वासना से आतुर चित्तानाम व्याकुल चित्त संसारिक लोगों के लिए जिनका मन विषयों में लगा हुआ है उन लोगों के लिए एतद् हरिचर्यान वर्णनम्। यह हरिगुण यह भगवान की लीला वर्णन ही भव सिंधु प्लवः संसार समुद्र को संसार सागर को पार करने के लिए दृष्टः नौका है। समझ में आ गया? तो बंद कर देता हूं, समझ में आ गया तो। अब ध्यान दीजिएगा, बड़ा सुंदर प्रसंग है। मैं प्रभु जी से पूछा कि क्या करना है, कहे कि आपकी जो इच्छा हो बोल दीजिएगा। तो मैं एकदम चलते चलते इस पर विचार किया कि इसी श्लोक को बोलूंगा। तो देखिए आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत कम समय है हम लोगों के पास में, केवल एक घंटा लगभग है, एक घंटा, तो एक घंटा से कम ही है। आप लोग घबराइएगा मत, मैं समय से बंद कर दूंगा। जितना समय दिया गया है उसी समय में मैं बंद करूंगा, आप लोग बिल्कुल मत चिंता कीजिएगा। तो देखिए प्रसंग इस प्रकार है, आप लोग नारद जी को जानते हैं और भगवान वेदव्यास जी को भी जानते हैं। एक बार की बात है, भगवान व्यास देव जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे, उसी समय देवर्षि नारद जी आ गए। देवर्षि नारद जी सब जगह विचरण करते हैं, स्वर्ग में भी जाते हैं, वैकुंठ में भी जाते हैं, इस पृथ्वी पर भी विचरण करते हैं, वो सबके पास जाते रहते हैं। तो विचरण करते हुए घूमते हुए जब व्यास देव जी के आश्रम में पहुंचे नारद जी, तो नारद जी को देख करके भगवान व्यास देव जी प्रणाम किए। प्रणाम किए इसके बाद में छोटे का काम है बड़े लोगों को प्रणाम करना और बड़ों का काम है समाचार पूछना। ये नियम है, ये शिष्टाचार यही है कि अगर बड़े व्यक्ति आए हैं तो अगर हम छोटे हैं तो हम लोग को प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम करने के बाद में छोटा का काम नहीं है कि पूछे आप ठीक हैं ना, छोटे का काम नहीं है, बड़े का काम है पूछना कि आप ठीक हैं, समाचार ठीक है ना। तो नारद जी व्यास देव जी से पूछे कि आप ठीक हैं, तो व्यास देव जी कहे कि हाँ ठीक हूँ। तो नारद जी कहे कि नहीं, आप ठीक नहीं लग रहे हैं, आपको देखने से लग रहा है कि आप उदास हैं, उदासी का कारण क्या है बताइए। तो व्यास देव जी कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि मैं क्यों उदास हूँ। नारद जी कहते हैं कि आप ठीक नहीं है, आपको देखने से लग रहा है कि आप ठीक नहीं है, आपको देखने से लग रहा है कि आप उदास हैं, चिंता में हैं।
तो चिंता का कारण क्या है, उदासी का कारण क्या है? तो व्यासदेव जी कहते हैं कि भगवान हमको पता नहीं चल रहा है कि मैं क्यों उदास हूं, आप ही बताइए कि मैं क्यों उदास हूं। तो नारद जी कहे कि हाँ हमको पता है आप उदास क्यों हो। देखो आप जीवन में बहुत कुछ किए हैं, बहुत शास्त्रों की रचना किए हैं, बहुत ग्रंथों की रचना किए हैं, बहुत कुछ लिखे हैं, लेकिन जो करना चाहिए, जो लिखना चाहिए, उसी को नहीं लिख पाए हैं। जीवन में बहुत कुछ किए आप, लेकिन जो वास्तव में करना चाहिए वो नहीं आप कर पाए। आप पुराण लिखे, वेद लिखे, उपनिषद लिखे, इतिहास लिखे, लेकिन जिस रूप में भगवान का वर्णन होना चाहिए, भगवान का कीर्तन होना चाहिए, भगवान की महिमा उसमें वर्णन होना चाहिए, उस रूप में आप वर्णन नहीं किए हैं, आप महिमा नहीं लिखे हैं। आपको एक ऐसा ग्रंथ लिखना चाहिए जिसमें केवल भगवान की महिमा हो, केवल कृष्ण की महिमा हो, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो। जानते हैं भगवान के बिना महिमा के, भगवान के बिना गुण का वर्णन किए व्यक्ति को शांति नहीं मिल सकता है, सुख नहीं मिल सकता है। धन तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन शांति और सुख के लिए केवल भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का महिमा है। नारद जी कहते हैं कि इसका हमको अनुभव है। देखिए जब गुरु लोग प्रसन्न होते हैं तो अपने शिष्य को गुह्य से गुह्य बात बताने लगते हैं। व्यासदेव जी कुछ पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन आज नारद जी व्यासदेव जी के ऊपर विशेष कृपा कर रहे हैं, बिना पूछे अपने जीवन के अनुभव बताने लगे कि देखिए व्यासदेव जी मैं भी किस तरह इस संसार में भटक रहा था, लेकिन भगवान के भक्तों की कृपा हुई, भगवान के नाम का कृपा हुआ कि आज मैं इस रूप में आपके सामने दिखाई दे रहा हूँ। जो आज हमको देख रहे हैं इस रूप में, आज मैं ब्रह्मा के पुत्र बन करके सर्वत्र विचरण कर रहा हूँ, भगवान के नामों को गा रहा हूँ, इसमें साधु वैष्णव की कृपा है, भगवान का कृपा है। अपने आप बताने लगे, अपने जीवन के विषय में बता रहे हैं, अपने पूर्व जीवन के विषय में बताने लगे। नारद जी बताते हुए कहते हैं कि देखिए इससे पहले मैं एक दासी का पुत्र था, और दासी के पुत्र से पहले भी नारद जी आप लोगों को मालूम है क्या थे? गंधर्व थे, जिनका नाम था उपवरहण, उपवरहण नाम के गंधर्व थे। एक बार की बात है, बड़े बड़े ऋषियों की सभा लगी हुई थी, बड़े बड़े साधु महात्मा लोग बैठे हुए थे, उसमें उपवरहण जी आ गए, गंधर्व जो नारद जी थे पहले वो आ गए। तो गंधर्व लोग बहुत सुंदर गाते हैं, बजाते भी हैं और गाते भी हैं। तो जब वो आए तो उनको सभी लोग कहने लगे कि आप बहुत सुंदर गाना जानते हैं तो थोड़ा कुछ सुनाइए, लेकिन उनको यह पता नहीं चला और यह नहीं समझे कि यहाँ साधुओं की सभा लगी हुई है, महात्माओं की सभा लगी हुई है, कुछ फिल्मी टोन में कुछ गा दिए होंगे। अब नारद जी उस समय उपवरहण जी को समझ में आया नहीं, ऐसा गाना निकाले कि महात्मा लोगों को गुस्सा आ गया, कहे कि अरे मूर्ख तुमको पता नहीं है ये साधुओं की सभा है, तुमको समझ में नहीं आता है, जाओ तुम शूद्र बन जाओ। तुरंत महात्मा लोग श्राप दे दिए, और जब श्राप दिए तब अब क्या, मृषा न होई देव ऋषि बाणी, देवताओं की और ऋषियों की बाणी कभी असत्य नहीं होती है, इसलिए साधु लोगों को सोच समझ करके बोलना चाहिए, अगर वो कुछ भी बोल दे तो सत्य हो जाता है, इसलिए साधु लोगों को विचार करके बोलना चाहिए। तो यहां पर अब ये लोग तो श्राप दे दिए, तो वही उपबरहण जी जो गंधर्व थे वे दासी के पुत्र बने, और जब दासी के पुत्र बने तो उनकी माता जी, ये नारद जी कथा सुना रहे हैं अपने पूर्व चरित्र के विषय में, नारद जी कहते हैं कि व्यासदेव मैं दासी का पुत्र बन गया, लेकिन मेरी माँ जो थी महात्माओं के आश्रम में रहती थी और आश्रम में रह करके सेवा करती थी,
गायों की सेवा करना, आश्रम में झाड़ू आदि लगाना, जो भी दासियों का काम होता है उसको वो करती थी। और मैं बिल्कुल उस समय छोटा अवस्था में था, तो मैं भी माँ के साथ आश्रम में था। महात्मा लोग जहाँ कीर्तन कथा करते थे वहाँ मैं भी बैठता था उनके साथ में। महात्मा लोग जो प्रसाद पाते थे मैं भी पाता था। कभी कभी महात्मा लोग अपने उच्छिष्ट प्रसाद को भी दे देते थे, वो भी मुझे खाने का सौभाग्य मिलता था। वैष्णवों का अगर जूठन मिल जाए तो पूछना ही क्या है। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं उस समय महात्माओं के जूठन खाता था। एक दिन की बात है, मेरी माँ जंगल में रह ही रही थी, एक सर्प के काटने से मेरी माता जी की मृत्यु हो गई। और जब हमारी माँ मर गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो मैं दुखी नहीं हुआ। मैं छोटा था लेकिन मैं दुखी नहीं हुआ, मैं मन ही मन प्रसन्न हो गया, खुश हो गया कि चलो जो होना था हो गया। मरना जीना तो ये संसार का नियम है। मृत्यु जन्म वतांबीर देहे न सहजायते अद्यवाब्द सतांते वा मृत्यु वही प्राणिना ध्रुव। जो व्यक्ति संसार में आया है वो निश्चित मरता है। आज मरे या 10 वर्ष के बाद, 100 वर्ष के बाद, मरना निश्चित है। तो चलिए, माँ थी तो थोड़ा माँ में भी आसक्ति थी, और माता का शरीर पूरा हुआ, पूरा मैं भगवान में अपने मन को लगाऊंगा। एक छोटा सा बच्चा, ये साधु संघ का प्रभाव है, साधुओं के बीच में बैठने का प्रभाव है, कथा सुनने का प्रभाव है, भगवान के भक्तों के प्रसाद खाने का प्रभाव है कि उनके मन में अब किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं, कोई मोह नहीं, कोई चिंता नहीं। अब नारद जी क्या किए कि अब वहाँ से चल दिए, छोटे बच्चे थे, अब वहाँ से चल दिए। चलते चलते जंगल में जा रहे थे, जाते 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 जंगल में बहुत पहाड़ों को पार किए, नदियों को पार किए, थक गए, एक जगह बैठे और थोड़ी सी आंख बंद हुई, निद्रा आई। उसी समय बहुत सुंदर भगवान के छवि दिखाई देने लगा सामने, भगवान का सुंदर रूप दिखाई दिया। जब ही नींद आ रहा है तो उस समय वो भगवान को देखने लगे, भगवान को देखने लगे। और तब तक उनकी आंख खोली तो वह छवि अलग हो गया, अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो बड़ा चिंता में हो गई, अरे वह रूप कहाँ गया जिस रूप को मैं देख रहा था। इसके लिए मैं व्याकुल हो गया। सुंदर भगवान के रूप देखने के बाद जब दिखाई नहीं दिया दोबारा, तो मैं उदास हो गया, चिंता में हो गया, व्याकुल हो गया। बार बार प्रयास कर रहा हूँ देखने के लिए, लेकिन अब रूप नहीं दिखाई दे रहा है, शब्द सुनाई दे रहा है। अरे बच्चा, तुम प्रयास मत करो, अब तुम मेरे रूप को नहीं देख पाओगे। जब इस शरीर को तुम समाप्त करोगे तो फिर तुम मेरे परम भक्त बनोगे और मेरे रूपों का दर्शन करोगे। इस प्रकार मुझे शब्द सुनाई दिया। भगवत कृपा से कुछ दिनों के बाद मेरा शरीर पूरा हुआ और इस समय आप देख रहे हैं ना मैं क्या हूँ। मैं आज ब्रह्मा के पुत्र बन करके सर्वत्र भगवान के नाम का प्रचार करता हूँ, भगवान की कथा करता हूँ, भगवान के भक्तों के बीच में बैठता हूँ, और आज मैं परम आनंद को प्राप्त कर रहा हूँ। ये भक्ति का प्रभाव है, ये साधु संग का प्रभाव है, ये नाम का प्रभाव है। तो हे व्यास देव जी, अगर वास्तव में आप सुखी होना चाहते हैं, आप वास्तव में आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। जो जीवन में मेरे साथ घटा है, महात्मा लोग अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि देखिए, एत धातु रचिता नाम मात्रा स्पर्शा क्षय मोहो भवसिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानु वर्णनम। कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति संसार से पार होना चाहता है, विषय भोग की वासना से व्याकुल जिनका चित है, जो संसारिक लोग हैं, उनके लिए केवल एकमात्र भगवान का कीर्तन, भगवान का वर्णन, भगवान का नाम ही पार करने वाला है। क्योंकि हम लोग संसार समुद्र में गिर चुके हैं। भव सिंधु, भव कहते हैं संसार को, और सिंधु कहते हैं समुद्र को। तो भाव रूपी समुद्र में, संसार रूपी सागर में हम सभी लोग गिर चुके हैं।
तो जो संसार में गिर गया है तो बुद्धिमानी उसी में है कि इस संसार से पार होया जाए। तब पार होने के लिए नौका क्या है, साधन क्या है, उपाय क्या है? हरि चर्यानु वर्णनम, हरि चर्चा अनुवर्णनम। हरिचर्या, हरिचर्या मतलब होता है कि भगवान का गुण, भगवान का लीला, भगवान के विषय में बार बार सुनना। अनु अनु मतलब होता है बारंबार। आप लोगों के मन में आता होगा कि जो भी महात्मा आते हैं जब देखो तब केवल यही सुनाते हैं कि भगवान का भजन करो, केवल यही कहते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब देखो तब केवल इसी को ये लोग कहते हैं और कोई दूसरा चीज नहीं कहते। कुछ और कुछ देना चाहिए, बताना चाहिए, कुछ मिर्च मसाला मिला करके देना चाहिए, लेकिन ये लोग केवल कृष्ण के विषय में बोलते हैं। लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस संसार को पार होना चाहता है, भाव सागर में तो गिर गए हैं, तो सभी लोग गिर चुके हैं। ये मत समझिए कि हम लोग नहीं गिरे हैं, सब लोग गिर चुके हैं। अब बुद्धिमानी इसी में है कि इससे पार होया जाए। तो पार कैसे होंगे? समुद्र तो आप लोग देखे हैं ना, बहुत नज़दीक हैं, गोवा के नज़दीक आप लोग हैं, इधर समुद्र है। अगर नहीं गए होंगे तो जाकर घूम लीजिएगा, समुद्र देख लीजिएगा। वहाँ जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, दूसरे जगह समुद्र देख लीजिएगा, और भी जगह समुद्र है तो वहाँ जाकर के देख लीजिएगा। समुद्र का मतलब होता है अथाह जल, अथाह पानी, और उसके बीच में कोई चला जाए तो पार होने के लिए केवल एकमात्र साधन क्या होता है? बड़ा बड़ा जो जहाज होता है जल वाला, उसी से व्यक्ति पार हो सकता है, नहीं तो डूब करके मर जाएगा। इसी तरह हम लोग संसार रूपी समुद्र में गिर चुके हैं, और गिर गए हैं तो बुद्धिमानी इसी में है कि इससे पार होया जाए। तो पार कैसे होंगे? तो पार होने का एकमात्र एक ही उपाय है, हरि चर्चानो वर्णनम। बार बार भगवान की चर्चा करना, बार बार भगवान के विषय में वर्णन करना, बार बार भगवान के लीलाओं को सुनना। अगर बार बार सुनेंगे, बार बार कहेंगे, तभी हम लोग इस भव सागर से पार हो सकते हैं। कौन कह रहे हैं? नारद जी। नारद जी अपने जीवन का अनुभव बता दिए कि संसार पार होने के लिए हरि चर्चा ही पार करने का एकमात्र साधन है, नौका है। एक महात्मा का अनुभव सुन लिए, अब दूसरा महात्मा का अनुभव सुनिए। वो दूसरा महात्मा कौन है? शंकर जी। शंकर जी बहुत बड़े भक्त हैं। तो शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, अपनी पत्नी को। पति का कर्तव्य है अपने पत्नी को कथा सुनाए, एकांत में भी हो तो अपने पत्नी को कथा सुनाए, उसी को पति कहा जाता है। ऋषभ देव जी बोले हैं कि वही वास्तव में पति है जो अपने पत्नी को भगवान के विषय में सुना करके भगवान के भक्ति में लगा दे। अगर भगवान के भक्ति में नहीं लगाता है, संसार में लगा रहा है, तो वह पति नहीं है। ऐसे पति को छोड़ देना चाहिए कहा गया है, और उसको छोड़ने से दोष नहीं लगता है। ऐसे पति को छोड़ने में कोई दोष नहीं है, और जो पति भगवान के भक्ति में लगा रहा है उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो कुछ डांट भी रहा है तो उसके डांट को सह लेना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के विषय में बता रहा है। तो शंकर जी अपनी पत्नी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अरे पार्वती, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ कि वास्तव में संसार में अगर कोई सत्य वस्तु है तो केवल भगवान की महिमा, भगवान ही सत्य है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी अपने जीवन का अनुभव बताते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, हे उमा, मैं संपूर्ण जीवन का अनुभव बता रहा हूँ कि इस संसार में जो कुछ देख रही हो ये सब असत्य है। अगर सत्य है तो केवल भगवान का नाम, केवल भगवान की भक्ति, केवल भगवान का भजन, यही सत्य है। भगवान ही सत्य है, भगवान का नाम सत्य है,
भगवान का गुण सत्य है, भगवान का रूप सत्य है, और कुछ भी सत्य नहीं है। क्योंकि व्यासदेव जी भी भागवत के पहला श्लोक में बोले हैं कि सत्यम परम धीमहि, जन्माद्यस्य यतन्वयादि के अंत में बोलते हैं कि सत्यम परम धीमहि। सारे देवता लोग देवकी के गर्भ में जो भगवान है जेल में जा करके, सभी देवता लोग उसमें, ब्रह्मा जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, नारद जी भी हैं, इंद्र जी भी हैं, सब लोग वहाँ हैं। और सब लोग जा करके कहते हैं कि सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्यम सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नहा। भगवान को सत्य 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 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग किए हैं कि हे प्रभु वास्तव में आप ही सत्य हैं। तो देखिए सारे देवताओं का अनुभव, शंकर जी का अनुभव, नारद जी का अनुभव। नारद जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भव सागर से पार होना चाहता है तो हरिचर्यान वर्णनम। शंकर जी कहते हैं कि सत हरि भजन, भगवान का भक्ति ही सत्य है। मैं अपने संपूर्ण जीवन का अनुभव बता रहा हूं। इतना ही नहीं, यहां पर सुखदेव गोस्वामी अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी का भी अनुभव सुन लीजिए। सुखदेव गोस्वामी कौन है? भागवत के परम वक्ता। सुखदेव गोस्वामी जैसा आज तक कोई कथा कहने वाला नहीं हुआ, और महाराज परीक्षित जैसा कोई श्रोता नहीं हुआ। महाराज परीक्षित कभी कथा सुनने में उबे नहीं। सुखदेव गोस्वामी जब कथा सुना रहे थे तो सुनाते सुनाते 4 दिन जब पूरा हुआ, 4th दिन की कथा पूर्ण होने लगी, तो सुखदेव गोस्वामी को थोड़ा दया आया महाराज परीक्षित के ऊपर। देखे कि बेचारा राजा 4 दिन से कथा सुन रहा है, बैठे बैठे थक गया होगा, थोड़ी सी भूख लगी होगी, प्यास लग गई होगी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, थोड़ा जलपान कर लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, 4 दिन से लगातार आप कथा सुन रहे हैं। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि हमको प्यास नहीं लगी है, हमको भूख नहीं लगी है। सुखदेव जी कहे कि तुमको प्यास नहीं लगी है, तुमको तो इतना जोर से प्यास लगती है कि महात्मा के गले में सांप डाल देते हो, और आज कह रहे हो कि मुझे प्यास नहीं लगी है। प्यास कहाँ चली गई? तुम झूठ नहीं ना बोल रहे हो? संकोच से झूठ नहीं ना बोल रहे हो? तुमको जरूर प्यास लगी होगी, क्योंकि तुम्हारे प्यास के विषय में हमको पता है कि इतनी जोर से प्यास लगती है कि तुम ध्यान नहीं देते कि साधु महात्मा जी बैठे हुए हैं, उनके गले में सांप डाल दिया था, और आज कह रहे हो कि प्यास नहीं लगी है। तो सुखदेव जी के बात सुनकर के परीक्षित मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं तो पी रहा हूं। कर पी रहे हो? क्या पी रहे हो? तो आपके मुख से भगवान की जो अमृतमयी कथा निकल रही है उसका मैं पान कर रहा हूं। पिबंतम त्वत मुखामोजम अच्युतम हरि कथामृतम। मैं भगवान हरि की अमृतमयी कथा का मैं श्रवण कर रहा हूं। पिबंतम, पी रहा हूं। पिबत भागवतम रसमालयम, मैं भागवत रूपी अमृत का मैं पान कर रहा हूं, इसलिए मुझको किसी प्रकार का कोई प्यास नहीं है, कोई थकान नहीं है, शरीर में कोई हरासमेंट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। भगवान आप केवल कथा कहते रहिए, जितने बार आप बोल रहे हैं ना वैसे ही मैं तृप्त होता जा रहा हूं। बार बार इच्छा हो रही है कि और सुनो और सुनो और पीऊं और पीऊं। आप मुझको पिलाइए मुहु मुहु, बारम्बार कहिए, एक बार मत कहिए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि ठीक है, जब तुम पीना चाहते हो तो देखो मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। सुखदेव जी बोल रहे हैं, मैं अपने जीवन में जो अनुभव किया हूं उसको बता रहा हूं। एतद् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरे नामानुकीर्तनम। देखिए सुखदेव गोस्वामी अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखते हैं,
जो व्यक्ति इस लोक की इच्छा रखते हैं ना परलोक की इच्छा रखते हैं, या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो विरक्त हो गए हैं, कोई व्यक्ति है कि लोक की इच्छा नहीं करते हैं, कोई कोई होते हैं कि परलोक की इच्छा नहीं रखते हैं, और कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि संसार में दुख का अनुभव करके वह विरक्त हो गए हैं और निर्भय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा बड़े बड़े जोगियों के लिए, सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है, जोगिनाम अपि निर्णीतम, बड़े बड़े जोगियों का यह निर्णय है कि भगवान के नामों का प्रेम से कीर्तन किया जाए। जो इस संसार में सुख चाहता है उसके लिए भी, या नहीं चाहता है उसके लिए भी, या जो सब कुछ छोड़ करके दुख बुद्धि करके संसार में, जो घर द्वार को छोड़ करके परम विरक्त बन गया, परम सन्यासी बन गया है, उसके लिए भी भगवान का नाम ही साधन है। अगर कोई यह सोचता है कि अब हम सन्यास ले लिए तब हमको क्या भगवान के नाम जपने की आवश्यकता है, मैं तो घर द्वार छोड़ दिया हूँ, नहीं, उसके लिए भी नाम जरूरी है। जो घर में है उसके लिए भी नाम जरूरी है। जो इस संसार का सुख चाहता है, जो व्यक्ति यह सोच रहा है कि मुझे संसार में सुख मिले, धन दौलत मिले, उसके लिए भी जरूरी है। जो स्वर्ग लोक को चाहता है उसके लिए भी जरूरी है। अथवा जो इस संसार का सुख चाहता है ना स्वर्ग के सुख चाहता है, कुछ भी नहीं चाहता है, उसके लिए भी जरूरी क्या है, हरे नामानो कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। अभी कितने लोगों का अनुभव आप लोग सुने, बताते जाइएगा हमको। हाँ हाँ, सुखदेव गोस्वामी, देवता लोगों का भी सुन लिए, सभी देवताओं का, शंकर जी का सुन लिए, नारद जी का सुन लिए, और सुखदेव गोस्वामी का सुन लिए। अब श्रीधर स्वामी जी का अनुभव सुनिए। श्रीधर स्वामी एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, वो भी अपने अनुभव बता रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए, यस्य स्मृत्या चान मुक्तया तपोज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो बंदे तमच्युतम। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि जिनके नाम स्मरण से, भगवान के नाम की यह महिमा है, भगवान के नाम की यह विशेषता है कि तप में, यज्ञ में, कोई क्रिया में अगर कोई न्यूनता आ जाती है या कोई कमी आ गई है, हम तपस्या कर रहे हैं, तपस्या में कोई त्रुटि हो गई, हो ही जाती है, तब करते हैं उसमें कोई ना कोई कमियां आ जाती है। हम लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने के लिए चलते हैं तो यज्ञ करने में कमी आ जाती है, शुद्ध घी नहीं मिल पाता है, अगर घी मिल भी गया तो शुद्ध ब्राह्मण लोग नहीं मिल पाते हैं, मंत्र पढ़ने वाले शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं, अगर शुद्ध उच्चारण करने वाले कुछ ब्राह्मण वैष्णव मिल भी गए तो शुद्ध यजमान लोग नहीं मिल पाते हैं। यजमान जी लोग कहते हैं कि जल्दी पंडित जी करा दीजिए ना पूजा, मेरे पास समय नहीं है, बताइए, अब यज्ञ में भी समय नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं न्यूनता, कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, तो उस कमी को पूरा करने वाला क्या है, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि सारे कमियों को पूरा करने वाला भगवान का नाम है, तपोज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो बंदे तमच्युतम। वह भगवान का जो नाम है संपूर्ण प्रकार के, समस्त प्रकार के न्यूनता को, कमी को पूरा करने वाला है, इसलिए मैं उस परम आराध्य की वंदना करता हूं। किस भगवान की मैं वंदना करता हूं, जिस भगवान के नाम सारे कमियों को पूरा कर देता है, उस भगवान का मैं भजन करता हूं। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, मैं कह रहे हैं कि मैं ऐसे भगवान का भजन नहीं करता हूं जो कमियों को पूरा न कर सके, मैं उस प्रभु का भजन कर रहा हूं। वो भगवान कौन है, तो कृष्ण है, मैं उस कृष्ण का भजन करता हूं जिनके नाम लेने से समस्त प्रकार की कमियां समाप्त हो जाती है। शुक्राचार्य जी बलि महाराज के यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उस यज्ञ में जब
वामन भगवान पहुंच गए और वामन भगवान को बलि महाराज देने के लिए तैयार हो गए, सब कुछ देने लगे, तो पहले तो माना किए, बहुत लंबी कथा है, लेकिन अंत में सब कुछ दे दिए और देने के बाद में भगवान जब उनको सूतल लोक भेज दिए, तो भेजने के बाद में भगवान शुक्राचार्य जी से कहते हैं कि हे शुक्राचार्य जी, बलि का यज्ञ अधूरा रह गया है, इसको आप पूरा करा दीजिए। तो शुक्राचार्य जी क्या कहते हैं वहाँ पर कि हे भगवान, जहाँ पर आप उपस्थित हैं, जहाँ पर आपका नाम उपस्थित है, क्या आज भी बलि का यज्ञ अधूरा है? बलि का यज्ञ तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन आप कह रहे हैं इसलिए आपके आज्ञा पालन करने के लिए मैं यज्ञ जरूर करूंगा, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। मंत्रतः तंत्रतः छिद्र देश कालान वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। समस्त प्रकार के मंत्र में, तंत्र में, योग में, ध्यान में, यज्ञ में, क्रिया में अगर कहीं भी त्रुटि होता है तो आपका नाम पूरा कर देता है। शुक्राचार्य जी अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं, शुक्राचार्य का अनुभव, शुक्राचार्य के भी नीति बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो शुक्राचार्य जी भी बोल रहे हैं, श्रीधर स्वामी जी बोल रहे हैं, और औरों की तो बात छोड़ दीजिए, स्वयं भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि देखो, यद गोविंदे तिचुक्रोश, कृष्ण बोल रहे हैं, ये महाभारत का श्लोक है, कृष्णाम माम दूर वासिनम ऋण में तद प्रविधम में हृदया नाप सरपति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे दूर होने के कारण जब मैं द्वारिका में था, दूर था, तो द्रौपदी ने हस्तिनापुर में जब उसका वस्त्र हरण किया जा रहा था, तो द्रौपदी जोर जोर से हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, इस प्रकार करुण क्रंदन करके मुझे पुकारा, मेरे नाम का स्मरण किया, मेरे नाम को लिया। तो मेरे नाम का जब उच्चारण की तो उस नाम से मैं इतना प्रभावित हो गया कि वह ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया। वह ऋण क्या हो गया कि वो मेरे नाम का उच्चारण की, नाम उच्चारण करने से मैं द्रौपदी का ऋणी हो गया। जैसे कोई व्यक्ति किसी से धन ले लेता है तो वह ऋणी हो जाता है, या कोई कुछ उसके लिए कर दिया, उपकार या कोई भी काम कर दिया, तो उसके ऋणी वह व्यक्ति हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं द्रौपदी का ऋणी हो गया, किस काम से, कि वह एकांत में मेरे नाम को जोर जोर से पुकार रही है, मैं द्वारिका में हूँ, और वह उस समय सभा में जब उसका वस्त्र हरण किया जा रहा था तो उस समय जोर से कहती है, हे गोविंद, हे कृष्ण, आप हमारी रक्षा करो। ऐसे क्रंदन को सुन करके मुझे जो उसने पुकारी, वह ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया और वह मेरे हृदय से उसका भार क्षण भर के लिए भी नहीं निकलता। इतना भार है कि मैं चाहता हूं कि उस ऋण से मैं मुक्त हो जाऊं, लेकिन मैं मुक्त नहीं हो पाता हूं। कुछ भी करता हूं फिर भी वह ऋण ज्यों का त्यों मेरे ऊपर बना हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान को अपने वश में करना चाहता है तो वश में करने के लिए केवल एक ही उपाय है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। भगवान को वश में करने के लिए केवल एक ही उपाय है, एक ही साधन है, वो क्या है? भगवान का नाम, उसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तन नाम कीर्तनम भूय तापत्र विनाशनम सर्वेशामेव पापानां प्रायः चितम इदं स्मृतम नातः परतरम पुण्यम त्रिषु लोकेषु विद्यते। श्री हरि नाम संकीर्तन से, भगवान के नाम के कीर्तन से तीनों तापों का विनाश हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है, जप करता है, उच्चारण करता है, तो कीर्तन करने से तीन प्रकार का जो ताप है, तीन प्रकार के ताप होता है, वो ताप क्या है मालूम है? तीन प्रकार का ताप क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तीन प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक।
लेकिन भगवान के नाम लेने से वो तीनों ताप से व्यक्ति छुटकारा पा लेता है। कभी कभी व्यक्ति देखते हैं हम लोग कि उसके पास में धन की कमी नहीं रहती है, धन भी रहता है, उसके पास में शरीर भी सही है, लेकिन बेचारा मन से बीमार रहता है। कोई कोई है कि मन सही है लेकिन उसके पास धन ही नहीं है। कोई कोई शरीर से बीमार रहते हैं, कोई तन से बीमार होते हैं, कोई मन से बीमार होते हैं, कोई धन से बीमार होते हैं। तीन प्रकार की बीमारी है। लेकिन अगर कोई भगवान के नाम गाता है तो भले वह रोगी है, शरीर कमजोर है, लेकिन भीतर से वह बीमार नहीं रहता है, वह स्वस्थ होता है, आत्मबल मिलता है। भगवान के नाम जपने से एकांत में भी वह आनंद का अनुभव करता है, सुखी होता है। इस कथा को आप लोग पहले सुन चुके हैं, दत्तात्रेय जी की कथा को मैं यहाँ सुना चुका हूँ। दो सप्ताह शायद किया था, दो वर्ष में पूरा किया था। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं, पृथ्वी वायु आकाश अपोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधो पतंगो मधुकृत गज मधुआ हरिणो मीना पिंगला कुरोर भक कुमारी सरकृत सर्प उर्ण नाभि सुपेश कृत। 24 गुरुओं की कथा हो चुकी है यहाँ पर। दत्तात्रेय जी बिल्कुल मस्त रहते थे। दत्तात्रेय जी को जब देखे जदू महाराज कि वो बिल्कुल एकांत में प्रसन्न अवस्था में बैठे हुए हैं, खुश अवस्था में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप इतना प्रसन्न कैसे हैं? हम लोग इतने बड़े व्यक्ति होकर के दुखी रहते हैं, हम लोग के पास धन की कमी नहीं है लेकिन फिर भी दुख है, टेंशन में है, समस्या में है, और आप जंगल में आए, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और प्रसन्न मुद्रा में हैं, खुश हैं, खुशी का कारण क्या है? तब दत्तात्रेय जी ने बताया कि खुशी का कारण यही है कि मैं भगवान का चिंतन करता हूँ, भगवान के नाम को गाता हूँ, भगवान का सुंदर रूप का दर्शन करता हूँ, और यही कारण है कि मैं प्रसन्न हूँ। मैं किसी न किसी से कुछ न कुछ शिक्षा लिया है और उस शिक्षा को लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। मैं सारे लोगों के सार यही लिया कि भगवान के भक्ति ही सार है, भगवान का भजन करना ही व्यक्ति का जीवन का कर्तव्य होना चाहिए, इसीलिए मैं प्रसन्न रहता हूँ। प्रसन्नता का एक ही कारण है कि भगवान की भक्ति में मैं लगा हुआ हूँ, मैं आडंबर में नहीं लगा हूँ, मैं संसार में नहीं फंसा हुआ हूँ, यही कारण है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो वह व्यक्ति तीनों प्रकार के ताप को समाप्त कर सकता है, उस ताप से वह बच सकता है, सभी पापों का यही एकमात्र प्रायश्चित है। अगर व्यक्ति से जान अनजान में कोई पाप भी हो गया है तो उस पाप का प्रायश्चित क्या है कि भगवान का नाम, क्योंकि हरि नाम स्मरण से बढ़ करके तीनों लोक में कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, कोई साधन नहीं है। कोई कोई व्यक्ति कहते हैं कि प्रभु जी हमको नाम जपने में मन नहीं लगता है, मैं जप करता हूँ ना तो मन नहीं लगता है, इसीलिए मैं नहीं करता हूँ। तो अगर मन नहीं लगेगा और नहीं करोगे तो मन लगेगा? अगर मान लीजिए मन नहीं लग रहा है, अगर आप छोड़ दिए तो छोड़ देने से मन लगेगा, मन नहीं लगता है फिर भी बार बार आप जपिए, बार बार जपिए, बार बार नाम का उच्चारण कीजिए, बार बार करने से मन करने लगता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो शुरू में उनको मिठाई उठाई दिया जाता है, रोटी खिलाया जाता है, चावल खिलाया जाता है, तो उसको खाने में मन नहीं लगता है, उसको मीठी खाने का मन करता है, वो बच्चा मीठी लेकर के खाता है, मीठी उठा लेता है और खाने लगता है। लेकिन माता जी क्या करती है कि उसके हाथ से मीठी छीनती है, तो उस समय लड़का के दृष्टि में माँ शत्रु जैसा दिखाई देती है, वो मीठी को छोड़ता नहीं है, लेकिन माँ उसके हाथ से मीठी को छीनती है, वो रोता है तो खींच करके एक तमाचा लगा भी देती है गाल में जोड़ करके, आ करता है, रोने लगता है, फिर भी मीठी को छीन लेती है,
और जब लड्डू देती है, बर्फी देती है, मिश्री देती है तो खाना नहीं चाहता है, सोचता है कि वो बहुत गड़बड़ चीज दिया जा रहा है। लेकिन जब ही वो अपने मुख में डालता है और जब उसका स्वाद मिलता है तो फिर उसके हाथ से छीनने के बाद में भी वो अब छोड़ता नहीं है, और मिट्टी दिया जाता है तब नहीं लेता है, वो समझ जाता है कि वास्तव में इसी में रस है, इसी में सुख है। इसी तरह जब तक हम लोग भगवान के नाम का रस नहीं लिए हैं, जब तक इसका स्वाद नहीं लिए हैं, तभी तक रोड वाला चाउमीन और पिज्जा और क्या क्या ये गोला गोला मिलता है उसका नाम मैं जानता नहीं हूँ, उसमें पता नहीं क्या रहता है, थोड़ा मोड़ा सड़ा हुआ चीज डाले रहते हैं, उसी को लोग खाते रहते हैं, उसमें स्वाद मिलता है। कब तक मिलता है? जब तक आप लोग कृष्ण प्रसाद को नहीं खाए हैं। कृष्ण अर्पित प्रसाद को जिस दिन खा लेंगे तो फिर आप लोगों को बाहर का चीज खाने का मन नहीं करेगा। जो व्यक्ति इसको खा लिया, जैसे हमारे वैष्णव लोग खाते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो बाहर की चीज नहीं खाना चाहते हैं, नहीं लेते हैं, वो ट्रेन में जाते हैं या प्लेन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं नहीं लेते हैं, वो लोग देते भी हैं तो नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम लोग जैसे जाते हैं यात्रा में तो कभी कभी उसमें बुक भी हो जाता है, फ्लाइट वाइट में खाने वाला लाते हैं, नहीं 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 चाहिए, तो सब देखते हैं कि ये तो मिल रहा है क्यों नहीं ले रहे हैं, नहीं 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 चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग खाते नहीं हैं, क्योंकि भगवान वास्तव में भगवान को जो भोग नहीं लगा है उसको नहीं खाना चाहिए, वो खाने वाला चीज है ही नहीं। तो यहां बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन सब प्रायश्चितों से बचना चाहता है तो उसके लिए एक ही उपाय है, वो क्या है? भगवान का सुंदर नाम, हरिचर्यानुवर्णनम, भगवान के नाम का कीर्तन। देवर्षि नारद जी फिर एक बार व्यासदेव जी से कहते हैं कि देखो देखो, एक बार तो बता ही दिया हूं, एक बार और सुन लो, तुम्हारे ऊपर हमारी कृपा बरस रही, आज ले लो। तो कहते हैं कि बताइए भगवान। तो कहते हैं कि इदम हि पुंसः तपसः सुतस्य वा श्रेष्ठस्य सोक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अवेचितोर्थम् कवि भी निरूपितो यदो तम श्लोक गुणान वर्णनम यदो तम श्लोक गुणान वर्णनम। नारद जी कहते हैं कि विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धि दत्तयो, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, वे लोग निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेद अध्ययन, ज्ञान अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का वर्णन किया जाए। पढ़ने का यही सार्थकता है, खूब ज्ञान प्राप्त करने का यही अर्थ है कि भगवान के सुंदर गुणों का वर्णन किया जाए। अगर आप पढ़े हैं, पढ़ाई किए हैं और पढ़ाई करके भगवान के विषय में नहीं बोल रहे हैं, भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, तो आपका पढ़ना व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। बड़े बड़े स्वाध्याय, बड़े बड़े ज्ञान, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान का फल यही है। यज्ञ जो करते हैं बड़े बड़े पंडित जी लोग, अगर यज्ञ कर रहे हैं लेकिन भगवान के भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उनका यज्ञ किसी काम का नहीं रहा। यज्ञ का वास्तविक फल यही है, यज्ञ किए हैं और यज्ञ करने के बाद में अगर आपका मन कृष्ण के भक्ति में नहीं लगा तो समझिए कि श्रम ए वही केवलम, केवल आप जीवन भर धुआं ही आंख में ले गए हैं और उससे कोई फायदा नहीं हुआ, केवल स्वाहा स्वाहा ही किए, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। यज्ञ का वास्तविक फल यही है कि हम भगवान का भजन करने लगे, भगवान का नाम जपे। तप का वास्तविक फल यही है, तपस्या जो कर रहे हैं, तप करने का मतलब क्या है? केवल उपवास कर लेना थोड़े तप हो गया, कुछ नहीं खाना थोड़े तप हो गया। बहुत लोग हैं मजदूर लोग के दिन भर मौका नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं खाते हैं, काम करने के चक्कर में वो बेचारे दिन भर नहीं खा पाते, कभी कभी तो एक एक दो दो दिन तक नहीं खाते हैं। तो नहीं खाने से क्या हो गया? नहीं खाए तो क्या तपस्या हो गया? नहीं। चारों तरफ से आग जला लेने से थोड़े तप हो गया,
ठंडा पानी में खड़ा हो जाने से थोड़े तप हो गया। अगर वास्तव में आप एक कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट होना चाहिए, परिणाम होना चाहिए कि मन कृष्ण में लगना चाहिए। अगर कृष्ण में मन लग रहा है तब तो आपका तपस्या सार्थक हुआ, आपका यज्ञ सार्थक हुआ, आपका स्वाध्याय सार्थक हुआ। आपके पास बहुत श्लोक याद है, पूरा श्लोक याद किए हैं, लेकिन जप नहीं कर रहे हैं, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन नहीं कर रहे हैं, भगवान के कथा नहीं सुन रहे हैं, भगवान के कथा नहीं कह रहे हैं, तो उसको याद करने से क्या फायदा हो? वो तो टिप रिकॉर्डर भी याद करके रखा है, उसको दबाई और दिन रात बोलता रहता है, उसको बोलने से क्या फायदा हो गया? कोई फायदा नहीं है। अगर वास्तव में फायदा है तो याद करने का मतलब कि भगवान के लीलाओं का चिंतन करते रहिए। जैसे सुखदेव गोस्वामी जब चलते थे तो भागवत के श्लोकों को बोलते थे और भगवान के सुंदर रूपों का चिंतन करते थे। बार बार भगवान का रूप सामने दिखाई देता था, बार बार रूप दिखाई देना, कभी कभी रोने लगते थे, कभी कभी ध्यान मग्न हो जाते थे। भगवान के लीलाओं में जब व्यक्ति समा जाता है तो एकांत में भी हंसने लगता है, कभी कभी जोर जोर से अकेले में ही नाचने लगता है, कभी कभी बिल्कुल उदास हो जाता है, कभी कभी उसका रोम एकदम रोमांचित होने लगता है, शरीर कांपने लगता है। तो ये भगवान के लीलाओं का अनुभव होना हुआ। भगवान के गुणों को चिंता न करना, स्मरण न करना, उसके लिए विचार न करना, तो उससे क्या फायदा है? तो यहाँ पर कह रहे हैं नारद जी कि सबका एक ही फल है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का बार बार वर्णन किया जाए, बार बार गान किया जाए, बार बार चिंतन किया जाए। इतने लोगों का अनुभव सुन लिए, अब हम लोगों के परमाराध्य परम पूज्य प्रभुपाद जी का भी अनुभव सुन लीजिए, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद का भी अनुभव सुनिए। कि प्रभुपाद जी एक बार बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं कि एक बार की बात है, प्रभुपाद बहुत बढ़िया बहुत सरल ढंग से समझाते हैं, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। तो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है कि एक वैज्ञानिक साहब पढ़े लिखे वैज्ञानिक पढ़ लिख करके आए, तो जब आए तो उनको पार करना था नदी, तो एक नाविक मिल गया, तो नाविक के नौका में वैज्ञानिक साहब बैठ गए। ये प्रभुपाद का उदाहरण है, उसमें बैठ गए और जब बैठ गए तो नाविक अब नौका को चलाने लगा। नदी पार करना था, बहुत विशाल नदी थी तो उसको पार करना था, उसमें कभी कभी लहर भी आता था, समझिए कि एक छोटा मोटा समुद्र ही था। तो उसमें वो बैठ गया, जब नौका चलाते हुए कुछ दूर नाविक गया, अभी थोड़ा ही दूर गया, तब वह वैज्ञानिक पूछता कि अरे भाई तुम यह बताओ कि तुम फिजिक्स जानते हो? कौन पूछ रहा है? वैज्ञानिक। किससे पूछ रहा है? नाविक से। और वह अब समुद्र के भीतर चल रहे हैं, वे किसी द्वीप का यात्रा कर रहे थे, तो पूछे कि तुम फिजिक्स जानते हो? तो नाविक कहता है कि सरकार फिजिक्स किस पक्षी का नाम है? वो बेचारा कभी सुना नहीं था जीवन में फिजिक्स, कहा कि ये किस पक्षी का नाम है? तो तुम नहीं जानते हो, आज के जमाना में तुम फिजिक्स नहीं जानते हो, तुम्हारा 25% जीवन व्यर्थ चला गया। कहा अच्छा मेरा 25% जीवन खत्म हो गया? तो कहा कि हाँ, आज के युग में तुम फिजिक्स को नहीं जानते हो तो तुम्हारा 25% जीवन व्यर्थ। कहा अच्छा, तब तक वो चला रहा है, चलाते हुए आगे बढ़ रहा है। तो कुछ दूर जाते जाते वो पूछता है, अच्छा ये बताओ कि तुम केमिस्ट्री जानते हो? कहा सरकार हमको नहीं मालूम है किस पशु का नाम है केमिस्ट्री, हमको नहीं मालूम है। कहा तुम नहीं जानते हो, तुम्हारा 50% जीवन व्यर्थ। कहा अच्छा, फिर चला रहा है, चलाते चलाते जब आगे गया तो कहता पूछता है तुम मैथ जानते हो? कहा महाराज मैं कह रहा हूं ना, पता नहीं कौन भाषा बोल रहे हैं, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप पूछ क्या रहे हैं, मैं उसको भी नहीं जानता हूं जो आप पूछ रहे हैं। तो तुम नहीं जानते हो मैथ? तो ना, तुम्हारा 75% जीवन व्यर्थ। तब तक फिर चला रहा है, तब तक अब कुछ दूर चलते चलते अब नाविक पूछ रहा है वैज्ञानिक साहब से कि अच्छा सरकार आप यह बताइए कि आप तैरना जानते हैं? वो पूछ रहा है, तैरना आप जानते हैं? तो कहा कि नहीं, तैरना मतलब?
तो नहीं जानते हैं तो ना, तो अब देखिए एक दो मिनट में लहर आने वाला है समंदर में, अब लहर आने वाला है और एक दो तीन मिनट तक रहेगा लहर। तो उस समय क्या करना होगा कि हम लोगों को नौका से कूद करके तैरना पड़ेगा और जब शांत होगा तो पुनः फिर हम लोग नौका में आ जाएंगे। तो बताओ तुमको तैरने आता है? तो कहता है कि नहीं, मुझको तो नहीं आता है। तब नाविक क्या कहा कि महाराज मेरा तो 75% जीवन गया है ना, आपका 100% अब जाने वाला है, आपका 100% खत्म होने वाला है। उसी समय लहर आ गया और जब लहर आया तो नाविक क्या किया कि तुरंत कूद गया और कूद करके तैरने लगा उसी के ऊपर। जैसे लहर हो रहा है उसके ऊपर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, और वो वैज्ञानिक साहब उसी में डूब करके खत्म हो गए। और जब वो शांत हुआ तो नाविक फिर नौका में चढ़ गया। तो यहाँ प्रभुपाद जी इस उदाहरण को दे करके कहते हैं कि अगर इस संसार में जन्म लेकर के आप सारे संसार का काम सीख लो, सारी विद्याएं पढ़ लो, सब कलाओं को सीख लो, लेकिन भक्ति कृष्ण नाम को मत सीखो, भगवान के नाम जपना मत सीखो, भगवान का पूजा करना मत सीखो, तो सारा सीखना व्यर्थ है। उस सीखने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। अगर भक्ति कर रहे हैं और भक्ति के साथ में उसको भी सीख लिए हैं तो चलो ये काम है, चलो ठीक है। लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं और सब कुछ सीख लिए, सारा पढ़ाई, सारा ज्ञान, सारा बिजनेस, सारा व्यापार उसी में लगे हुए हैं, लेकिन भगवान के मंदिर में नहीं आ रहे हैं, साधुओं को सम्मान नहीं कर रहे हैं, साधुओं को कभी अपने घर नहीं बुलाते हैं, साधुओं के बीच में बैठते नहीं हैं, साधुओं से सत्संग नहीं करते, इतना सुंदर अवसर में नहीं आते हैं, ऐसे सुंदर मौका में अपने धन को नहीं ठाकुर जी को देते हैं, तो केवल श्रम एवं ही केवलम, केवल वह व्यर्थ है। जैसे कोई पागल व्यक्ति जिसका दिमाग काम नहीं करता है, वो व्यक्ति भी दिन भर कुछ न कुछ काम करता है कि नहीं, चलता है तो पोलथीन उठाता है, एक थैला में डालता है, फिर थैला में से निकालता है। मैं एक दिन अयोध्या देख रहा था, अभी गया था पितृपक्ष में, काशी, अयोध्या, प्रयागराज, गया, सब जगह मैं गया था दो दो दिन करके। तो स्टेशन पर मैं अयोध्या बैठा हुआ था, दो तीन भक्त भी थे, तो एक स्त्री थी, उस समय 1:30 बज रहा था रात्रि 2, एकदम सब लोग बैठे हैं, सबको गाली दे रही है, मेरे सामने ही बैठी हुई थी, ज्योति स्त्री थी, उसका लगभग 40 वर्ष उम्र हो रहा था, गाली दे रही, फिर सत्तू निकाली चना का, सत्तू को उसमें पानी में डाली, मैं देख रहा था कर क्या रही है, पानी में डाली, फिर उसको मिट्टी में ऐसे मिला करके, फिर उसको खा रही है, फिर गाली दे रही, खड़ा होकर के चल करके गाली दे रही है, गाली दे, फिर आ रही है, फिर खा रही है, ऐसे करके, फिर हाथ जो गंदा था ना, उसको जो कपड़ा था उसी अपने कपड़ा में ऐसे ऐसे पोछ ली, पोछ करके कुछ ना कुछ करती रही उतना देर तक। तो उसको भी कहा जाएगा ना कि वो काम कर रही है, लेकिन उस काम का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, लेकिन देखा जाए तो वो भी काम कर रही है। तो जैसे उसको हम लोग देख करके समझ रहे हैं कि वो पागल है, इसी तरह अगर कोई भजन नहीं करता है और सारा काम करता है तो भगवान देखते हैं, और जो इस बात को समझने वाले वो लोग कहते हैं सब पागल है, ये लोग को जो करना चाहिए उसको न करके फालतू कामों में लगे हुए हैं। वास्तव में कितना सुंदर शरीर मिला हुआ है, कितना सुंदर अवसर मिला हुआ है, कितनी सौभाग्य की बात है कि भारत भूमि में जन्म हुआ है, कितना सौभाग्य की बात है कि इतने सुंदर वैष्णव लोग मिलते रहते हैं। भारत में वैष्णवों की कमी नहीं है, साधुओं की कमी नहीं है, उसमें भी प्रभुपाद ने इतना सुंदर व्यवस्था किया कि इस्कॉन सब जगह बना दिए, और इसके बाद में भी अगर कोई भक्ति न करे, इतना सुंदर कार्तिक महीना है, कोई कथा न सुने, तो समझिए कि उसका जीवन किसी काम का नहीं है, व्यर्थ है। इसलिए हम लोगों को भगवान के भक्ति में रहना चाहिए। तो यहाँ पर यही बड़े बड़े भक्तों का अनुभव यही है कि हरिचर्यानो वर्णनम, इस श्लोक को फिर एक बार ध्यान दीजिए कि एत धातुर चीता नाम मात्रा स्पर्श क्षया मोहु भवसिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानु वर्णनम, पुनः पुनः निरंतर विषय भोग की वासना से व्याकुल चित्त जिनका मन संसार में लगा हुआ है, संसारिक लोगों के लिए केवल हरि कथा ही, हरि गुण वर्णन ही संसार समुद्र को पार करने के लिए एकमात्र
नौका है। अगर कोई संसार को पार होना चाहता है, जाकर नाम सुनते एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा। अगर कोई एक बार भी कृष्ण नाम का उच्चारण करता है तो वह व्यक्ति भव सागर को पार कर जाता है। लेकिन कोई गलती नहीं करना चाहिए, यह ध्यान देना है, क्योंकि भगवान के नाम से राम भालु कपि कटुक बटोरा सेतु हेतु श्रम की न थोड़ा, लेकिन नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मन माही। हे सुंदर मन वाले, विचार करो कि भगवान के नाम लेते ही भव सिंधु सुख जाता है, भव समुद्र सुख जाता है। तो भव सागर को सुखाने वाला अगर कोई है तो वो है भगवान का नाम। भव सागर से पार करने वाला अगर कोई साधन है तो वो है हरिचर्यानु वर्णनम हरे नामानु कीर्तनम। भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के गुणों का वर्णन ही भव सागर को पार करने के लिए एकमात्र नौका है, जहाज है। तो हम लोग इतने महात्माओं के अनुभव को सुन लिए, अगर कोई इस संसार को पार होना चाहता है तो उसे भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा तो मैं अति संक्षेप में आप लोगों को यह बात बताने का प्रयास किया। आप लोग इसी तरह भगवान के नाम को गाइए और अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।